हेलो दोस्तों, नया साल की पहली सुबह है भाई। आज से अपना शेड्यूल ऐसा रखना है ना कि दिन भर आज के शेड्यूल में क्या रहेगा। अभी मस्त उठे हैं, फ्रेश हो जाएंगे। फ्रेश होने के बाद आज कम से कम 12 घंटा पढ़ाई होना है, अभी से लेकर पूरा रात तक ना सबको मिला है। तो भगवान का नाम याद करके करा करें वस्तु के साथ आप अपना दिन का शुरुआत करें, प्रणाम करें सबको, हैप्पी न्यू ईयर। सब अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। और याद रखना भाई, 12 तारीख को पेपर आने वाला है, जितना हो सके अब अपने समय का यूटिलाइज करें। जो काम है उसको तो करना पड़ता है, जो जॉब वाले हैं उनको नौकरी करना पड़ेगा, जो बहुत महत्वपूर्ण काम है उसको करना, लेकिन उसके साथ पढ़ाई को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना। आज अपना शेड्यूल 12 घंटा का बनाना, 10 से 12 घंटा रोज का पढ़ना है, मस्त फ्रेश हो जाएंगे। उसके बाद फिर एक एक करके पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, थोड़ा देर में योगा भी कर लेंगे, देखते हैं। तो मिलते हैं भाई बहुत जल्दी। और आज के दिन का शेड्यूल क्या रहेगा? आज हमको छत्तीसगढ़ पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, भारत भूगोल, छत्तीसगढ़ का भूगोल, साथ ही क्या पढ़ना है हमारा, मैथ्स, मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा बहुत तो देखना पड़ेगा दोस्त। साथ ही करेंट अफेयर को देखेंगे, आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह, देखते हैं कैसा शेड्यूल रहता है। दिल्ली का टाइम है, 5 बज गया है। अब 5 बजे से थोड़ा देर बाद गाना वाना भी स्टार्ट हो गया है, कुछ टाइम बाद अपने स्टार्ट करेंगे जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, बने रहिए मेरे साथ। अब फ्रेश होकर आ चुके हैं, एकदम क्लियर है भाई। इसके बाद थोड़ा योगा करना है, योगा करने के बाद क्योंकि शरीर को फिट रखना भी तो जरूरी है, देन उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। करते हैं योगा, आप भी मेरे साथ करिए। अपने शेड्यूल में योगा को बहुत ही महत्वपूर्ण है, जोड़ लीजिएगा। योगा करें, रनिंग करें, एक्सरसाइज कुछ भी करें, साथ में लेके चलिएगा उसको। फाइनली जितना भी अपने सुबह से लेकर अभी तक का शेड्यूल रहा, पहले उठे, फिर पढ़े, फिर अपना काम वाम के लिए ऑफिस वगैरह आए, ड्यूटी रहता है 5 से 11, फिर 11 से 5 रहता है, इन बीच में 1-2 घंटा पढ़ने मिल जाता है, फिर शाम को जाके पढ़ना पड़ता है, तो ये पूरा शेड्यूल रहता है। अभी मैं भारतीय संविधान और लोक प्रशासन देख रहा हूँ, कौन सा ये प्रतियोगिता सारा,
बहुत ही महत्वपूर्ण, और साथ ही मेरे पास एक पुस्तक है अभी, आधुनिक हिंदी का व्याकरण और रचना, जिसका है वसुदेव नंदन प्रसाद। आप इसको प्रेफर कर सकते हैं हरिराम पटेल के नोट्स से, या फिर तिवारी सर की पुस्तक बहुत अच्छा है, पटेल ट्यूटोरियल है वो। और मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करें अपने स्टडी में। ओके, अगर आप कहीं काम कर रहे होंगे तो काम के साथ पढ़ना उतना डिफिकल्ट नहीं है जितना लोगों को लगता है, बहुत आसान होता है। हाँ, थोड़ा चैलेंजिंग होता है, 5-6 घंटे आपको करना पड़ेगा। अगर आप घर में होते हैं ना, तो उस टाइम को भी आप सामान्यतः यूटिलाइज करते हैं कुछ करके, कहीं जाके कुछ खेल के। हाँ, तो यार काम तो काम होता है, गवर्नमेंट काम आपको पता है भाई कितना बर्डन होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लक्ष्य है कि आपको DSP डिप्टी कलेक्टर या छत्तीसगढ़ के नौकरशाह के पद में पदस्थ होना है, तो आपको मेहनत तो करना होगा, एक सामान्य व्यक्ति को भी करना होगा और एक विशिष्ट व्यक्ति को भी करना होगा। तो इस प्रकार से पूरा रहेगा। इसके बाद शाम को भी अपना कुछ शेड्यूल रहेगा, उसको शेयर करूँगा। तो फिलहाल इतना ही रखते हैं, फिर शाम को घर जाने के बाद इसको कंप्लीट करते हैं कि उसके बाद हमारा क्या शेड्यूल रहता है। फाइनली दिन भर का शेड्यूल रहा, बिजी शेड्यूल था, और शेड्यूल में जो भी था मैंने आपको बताया कि कैसे पढ़ना है, और चूंकि आप पढ़ने जानते हैं, सामने आपकी सब चीज़ है। बस एक चीज़ ध्यान रखना, कंटिन्यूटी को छोड़ना मत, अधिक से अधिक, फिर से मैं बोलूँ, बार बार बोलता हूँ, मॉक टेस्ट लगाते रहना, सिलेबस को सामने रख के पढ़ना, और सी सेट में जो तार्किक योग्यता के प्रश्न होते हैं ना, उसको इग्नोर मत करना भाई, क्योंकि वहाँ से कम 5-7 क्वेश्चन आते हैं, और वो क्वेश्चन ऐसा रहता है ना कि अगर आप एक बार पढ़े हैं, तरीका जानते हैं उसको डील करने का, तो आराम से बन जाएगा, अदरवाइज थोड़ा दिक्कत होगा। तो कुल मिला के ना, चीज़ों को थोड़ा एक्सरसाइज करके पढ़ना, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी के साथ पढ़ना, और आज इसको हम यहीं रोकेंगे। और साथ ही चीज़ ध्यान में रखना, कल मैं आज से कल या परसों मैं मॉक टेस्ट आने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर के जितने भी छत्तीसगढ़ी के प्रश्न सेट 2002 से 2003 से लेकर 2021-22 तक, सभी प्रश्नों को एक ही वीडियो में समेकित करूँगा। उससे आपको ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रिपीटेड रहेगा, जो क्वेश्चन आ सकता है, बस ये है अगर वहाँ से प्रश्न आया तो नहीं छूटेगा, पहला चीज़। और दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि वैसे ही प्रश्न आएंगे, मतलब थोड़ा उसका लेवल ऊपर नीचे हो सकता है, पर रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बस ये रहता है, फॉर्मेट चेंज हो जाता है, मतलब फॉर्मेट में ऑप्शंस चेंज हो जाते हैं, क्वेश्चंस बदल जाते हैं, लेकिन तरीका सेम ही रहता है। अंततः सबको मैं पुनः आग्रह करता हूँ, बहुत ही कम समय बचा है, जो काम कर रहे हैं काम तो करना ही है, साथ में पढ़ाई को इग्नोर बिल्कुल नहीं करना है, अच्छे से अच्छा टेस्ट सीरीज एफर्ट करके उसको टेस्ट दिलाइए, और MCQs लगाइए, फिर वीडियो में आपको मिल ही जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा सेशन कंप्लीट होता है। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, ये थोड़ा पहले शूटिंग हुआ था, अभी मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, भारत माता की जय, जय छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ सबले बढ़िया।